जो जो पहले वाणी चल रही थी आठ जनवरी पुरानी वाणी है बतावट जी रही थी बात चल रही है आत्माओं का बेहद का बात वह है यह नहीं तीसरी पंक्ति मध्य आदि में क्या बोला आत्माओं का बेहद का बात वह है और वह है नई दुनिया का रचयिता हाँ ब्रह्मा के तन में ये बात बोली गई है तो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है सुप्रीम सोल तो कहना क्या चाहिए आत्माओं का बेहद का बात यह है लेकिन ये है क्यों नहीं कहा ब्रह्मा के लिए क्यों नहीं कहा यह है क्योंकि वो माँ का पार्ट है वो बेहद का बाप का पार्ट नहीं है और वो बेहद के बाप के बारे में दूसरी बात और बता दी ताकि कोई गुंजाइश न रह जाए समझने में क्या बोला वो है ही नई दुनिया का रचयिता अब ब्रह्मा का कुछ अंग्रेज अड़सठ में छूट गया नई दुनिया तो कोई बनी नहीं नई दुनिया की घोषणा कब की गई कब से बनेगी 76 में लिखी थी तो 76 तो आया ही नहीं और ब्रह्मा दादा लेकर आदमी से भी पहले ही छोड़ दिया इसलिए बुलाया हुआ है ही नई दुनिया का रचयिता संक्षेपर में सत्ता वर्ष बाप का मनाया उसके लिए बोला नई दुनिया में इनका राज्य था किनों का 76 के लिए बोला कि जो भी प्राणों की नई दुनिया बनेगी दिल्ली में जमुना के कंठों पर जो भी नया संगठन रूपी किला तैयार होता है उसमें इन्हों का राज्य था ये बात सूची की ये लागू होती है तो जो वर्ल्ड ड्रामा शुरू होगा शत्रुग से उसमें भी लागू होती है इन्हों का राज्य था अब नहीं है फिर आ करके जरूर देंगे ना मैंने 76 के लिए उस नई दुनिया के राज्य का फाउंडेशन इनके द्वारा डाला जाएगा कहां बाहर की दुनिया में नहीं ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में आ करके जरूर राज्य देंगे ना अभी नहीं नहीं तो विश्व का एप्लीकेशन बताओ कि उन्होंने आकर के क्या किया दुनिया पूजा करती है लक्ष्मीनारायण के बड़े बड़े मंदिर बताए जाते हैं तो कुछ तो किया होगा जो इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बना रही या शिव के इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए हैं तो बताया उनका ऑक्यूपेशन क्या बताया अभी क्या बताया जो दुनिया में कोई धर्म पिताएं आकर के इब्राहिम को दूसरा ऐसे नहीं कर सकते पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना वो आकर के वो करता है तो जरूर पहले छोटे रूप में करेगा वो बड़े रूप में करेगा हर काम पहले छोटे रूप में होता है बच्चा भी गर्भ में आता है तो भ्रूण के रूप में आता है बहुत छोटा रूप होता है
तो संक्षेपण से नई दुनिया के फाउंडेशन का सूक्ष्म रूप आदि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा डाला गया। लोग तो समझते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा ने मुंह से वाह का शब्द कोई निकाला और ब्राह्मण की रचना हो पड़ी ब्रह्मा के मुख से, तो ऐसी कोई बात नहीं। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही होते हैं, बुद्धि में पुरानी होती है, कर्म पुरानी होती है, संस्कार पुराने होते हैं। उन संस्कारों को परमात्मा जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के मुख के द्वारा ब्रह्म वाक्य सुना करके ज्ञान का फाउंडेशन मनुष्यात्मा में ऐसा डालता है जिससे उनके संस्कारों में तब्दीली आ जाती है। मनुष्य के जब संस्कार बदलेंगे तो नई दुनिया भी आएगी, पुरानी दुनिया भी बदल करके नई दुनिया हो जाएगी। एकदम फूंक मारने से कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, सागर बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज कारण और तारीख के विश्लेषण से बनी हुई है। परमात्मा बाहर आकर के कोई जादूगरी नहीं करता। जो शास्त्रों में नूज है ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना करते, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करते, तो पहले स्थापना करेंगे या विनाश करेंगे? तो दुनिया में भी जो हद के बाप होते हैं वो पहले पुराना मकान गिरा देते हैं पूरा, या पहले वो कमरा बना के तैयार करते हैं सीमेंट वगैरह अपने लिए, पहले तो स्थापना करते हैं ना, पहले स्थापना होती है फिर पुरानी दुनिया का विकास होता है। तो परमात्मा भी इस सृष्टि पर आकर के बात बन करके हम बच्चों के लिए नई दुनिया का फाउंडेशन डालता है। अच्छा बताओ इसकी निशानी क्या हुई? ऊंचे ऊंचे बाप तो वो शिव ही है, और फिर वो निराकार है, वो जन्मण के चक्र में आता नहीं है। वो भी अगर जन्मण के चक्र में आए वो निराकार ज्योति बिंदु, तो हमें कोई छुड़ाने वाला कौन होगा? वो बंधन में नहीं आता, वो इस सृष्टि पर आता है तो सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बंधन से छुड़ाई देता है। काय के बंधन? दुख अशांति ये बंधन है बहुत बड़ा। दुख और अशांति के बंधन से छुड़ाए करके ऐसी दुनिया बनाए के जाता है जहाँ सुख और शांति होती है। तो वो दुनिया छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। इतने धर्म नहीं होंगे, इतने देश नहीं होंगे, इतने राज्य नहीं होंगे। जरूर वैसे मानते भी हैं, हर धर्म में ये मानते हैं कि पहले एक ही धर्म था, बाद में अनेक हो गए। तो पूछा उनका आकुपेशन बताओ कि वो आकर के क्या करते हैं? बात आकर है तो कुछ तो करेगा, अगर कुछ ऐसा करेगा जो और दूसरे धर्म के काम न करके गए। दूसरे धर्म पिता ने क्या किया? आकर के अपना धर्म स्थापन कर दिया। पुराने पुराने धर्म तो चल ही रहे थे पहले से, उन्होंने क्या किया? इब्राहिम ने आकर के इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया, मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म स्थापन कर दिया, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया, और पीछे का जो धर्म चला आ रहा था सनातन धर्म बिल्कुल व्यवस्था वो भी चलता रहा। तो फायदा क्या हुआ? अनेकता और बढ़ी या घटी? बढ़ती चली गई। दुनिया तो फिर नीचे ही गिरनी है ना। तो जो दुनिया करती है वो सुप्रीम सोल बात इस सृष्टि पर आकर नहीं करता है, वो क्या करता है?
वो ऐसा करता है जो दुनिया में किसी ने न किया। वो आकर के नई दुनिया का फाउंडेशन डालता है। कैसे डालता है? हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को ब्राह्मण बनाता है, ज्ञान सुनाता है। कोई धर्म ऐसा है जिसमें अच्छे न हो, बुरे ही बुरे हों? हर धर्म में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो हर धर्म से श्रेष्ठ चुनिंदा आत्माओं को चुन करके पहले उनको ब्राह्मण बनाता है, ब्रह्मा की मुखवंशावली बनाता है, और ब्रह्मा की मुखवंशावली जो बनते हैं उनके संस्कारों में फिर परिवर्तन स्वतः ही आने लगता है। छुमंतर काली कुछ नहीं करता। तो पूछा, विश्व कहे बाप का आत्मपेशन बताओ, क्या कर चुकी है? तथा कथित ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया और ज्ञान सुनाकर चला गया। नई दुनिया हम बना रहे हैं। चलो माउंट आबू में तुम्हें नई दुनिया दिखाए। अरे महल मारिया अटारिया तो देखना हो तो न्यूयॉर्क में ढेर सारी देख लो जाके। एक हवाई जहाज टकराता है और उनकी हवा फिसक फिसक हो जाती है। तो ये तो अल्पकाल की चीज है। परमात्मा अल्पकाल की स्थूल चीजें आकर के नहीं बनाता। वो पहले आकर के ज्ञान से संस्कारों का परिवर्तन करता है। जो बड़े बड़े कवियों ने भी ये बात बता दी, इस दुनिया में सब शूद्र हो गए, कोई ब्राह्मण सो देवता नहीं बचा। तुलसीदास ने भी लिख दिया 400-500 वर्ष पहले, बड़े गांव शंकर सब है, सब गांव शंकर हो गए, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं रहा, पक्का सच्चा। तो जब सारी दुनिया शूद्र है, संस्कारों वाली बन जाती है, तो परमात्मा बाहर आकर के उन शूद्र संप्रदाय को, जो मनुष्य से राक्षस जैसे संप्रदाय बन जाते हैं, उनको आकर के फिर क्या बनाता है? ब्राह्मण बनाता है। और ब्राह्मण से फिर जो देवता बनते हैं, जो पक्के 100% ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवता बनेंगे। नहीं तो ब्राह्मणों की नौकरियां गायी हुई है, नौकरियां नौकरियां गायी होंगी तो ब्रह्मा के द्वारा वो नौकरियों की स्थापना हुई होगी ना, नंबरवार तो बनेंगे। लेकिन जो फर्स्ट अब्बल नंबर की सूर्यवंशी पूरी होगी वही शक्ति पर रहेगी। क्या दूसरे नहीं रह सकते, बाकी सब धर्मों का विनाश होना है। असत धर्म का विनाश करने आता हूं और सब धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो पूछा, आत्मपेशन बताओ क्या करके किया? कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों को मनाते हैं। क्या यादगार तो है ना? कृष्ण की विजय जयकार मनाई है, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर कभी कृष्ण ने जन्म लिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं। ये तो बात जटिल है। शिव तो निराकार ज्योति बिंदु और कृष्ण तो साकार शरीरधारी, साकार शरीरधारी की जयंती मनाना ये तो बात समझ में आती है। लेकिन शिव जयंती ये तो सुनी है, सुनिए कभी भारत में शिव जयंती मनाई जाती है या महाशिवरात्रि मनाई जाती है? महाशिवरात्रि मनाते, शिव जयंती तो नहीं मनाते। फिर तो शिव जयंती कहना रंग है, क्यों रंग है? क्योंकि शिव जो है वो ज्योति बिंदु का नाम है और ज्योति बिंदु आत्मा का जन्म नहीं। आत्मा जब शरीर धारण करती है गर्भ में तो उसका जन्म माना जाता है। ऐसे ही गीता में एक शब्द है प्रवेश, तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे गर्भ में कोई आत्मा
शरीर छोड़ करके आती है, प्रवेश कर जाती है, तो वो आत्मा भी तो प्रवेश करती है ना। तो ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में ये ज्ञान गर्व चल रहा है कई साल से। क्या जब दुनिया के विनाश की सामग्री बनने की शुरुआत हुई थी 36-42 के बीच में, उसी समय स्थापना की शुरुआत भी हो चुकी थी, स्थापना का भी फाउंडेशन पड़ चुका था। तो वो स्थापना का फाउंडेशन डालने वाला उस समय प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेता है, जन्म कर लेता है जब वो ज्ञान गर्व बढ़ करके थोड़ा परिपक्व हो जाए। पेट में बच्चा आता है तो पहले धूल होता है निर्जीव, या पहले उसमें आत्मा आ जाती है? जो अनुभवी माता है वो तो ज्यादा जानती है। 5 महीने का जब बच्चा होता है तब चुरुपुर होती है, उसमें सोल का प्रवेश होता है। तो ऐसे ही ये परिपक्वता ज्ञान गर्भ काल में 76 में आती है, जब 40 वर्ष पूरे हो जाते हैं संगम के। जैसे और धर्म पिताओं ने अपने धर्म की स्थापना में 80-100 साल का टाइम ज्यादा से ज्यादा लिया, ऐसे ही परमात्मा भी आकर के 100 वर्ष के अंदर कंप्लीट स्थापना करके जाता है, कंप्लीट विनाश करके जाता है। तो उसमें से जो पहले 40 वर्ष है वो ज्ञान गर्भ का फाउंडेशन डालने के हैं। 76 से 76 में जो ब्राह्मणों की दुनिया ब्रह्मा के मुखवंशावली तैयार होते हैं, उनके बीच में से कुछ विशेष ब्राह्मण आत्माएं ऐसी तैयार हो जाती है जिनकी बुद्धि में ये अच्छी तरह प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है बच्चे का, कि वो नारायण वाली सोल जिसका शास्त्रों में गायन है। क्या गायन है? कि सतयुग में नारायण का राज्य था, वो ब्राह्मण की संगमी भी दुनिया में नारायण बनने वाली सोल प्रत्यक्ष होने लगती है। सब की बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं होती, जिन्होंने सही तरीके से रेगुलर पंक्चुअल रह करके वो पढ़ाई पढ़ी है उनकी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बात बैठती है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में हुआ, स्थूल जन्म नहीं। परमात्मा भी स्थूल रूप में जन्म नहीं लेता, तो परमात्मा के जो बच्चे भी हैं वो भी संसार में स्थूल जन्म नहीं लेते, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते। वो 9 लाख सितारे जो संसार में प्रत्यक्ष होने हैं अभी विनाश के पीरियड में, सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे, वो अभी प्रत्यक्ष होने वाले। वो 16108 विशेष गुप्त पाठ बजाने वाली, गुप्त पुरुषार्थ करने वाली गोप गोपिकाएं आत्माएं, वो अभी प्रत्यक्ष होने वाली। वो 108 विशेष सिद्धि प्राप्त करने वाली, जन्म जन्मांतर राजयोग सीख करके राजा बनने वाली आत्माएं, जिनकी यादगार हर धर्म में माला सुमिरन की जाती है, वो माला में नंबर लेने वाली आत्माएं अभी पुरुषार्थ कर रही है परमात्मा बाप की रहबरी में गुप्त रूप से। पहले भी महाभारत युद्ध हुआ था, भगवान कौन था कहते हैं? कृष्ण भगवान था। अब बात कर रहे हैं तो साकार शरीरधारी था, तो साकार शरीरधारी तो मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो देवताएं बन सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे देव बन सकते हैं, लेकिन उनको सुप्रीम सोल नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम सोल तो
एक ही सुप्रीम सोल ऐसा है जो ब्रह्मण के चक्र में नहीं आता, वो सिर्फ आकर के चतुर्युग के बाद कलयुग के अंत में राम कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं में प्रवेश करता है। जो रामचंद्र सत्युग त्रेता में नारायण और राम के रूप में जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते लेते द्वापर कलयुग के अंत में आते आते हमारे आपके जैसे साधारण नर मनुष्य बन जाते हैं। उस नर तन में, साधारण तन में परमात्मा बाप सुप्रीम सोल आकर के प्रत्यक्ष होता है, वो ही उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। इसलिए पूछा, कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों को मनाते हैं कि एक को मनाते हैं? तो पूछो उनसे कि शिव की जयंती मनाते हैं महाशिवरात्रि के रूप में, तो शिव कैसे इस शक्ति पर आता है? कोई तो तरीका होगा। तो देखो, शिव की जो त्रिमूर्ति गाई गई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनकी यादगार में आज भी हमारे यहाँ तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं। उन तिरंगा झंडा बुलंद करने वालों को नहीं पता इस कपड़े के झंडे ने कभी विश्व शांति स्थापन नहीं किए। क्या कहते हैं, विश्व शांति करके दिखला दे तब हो गए प्रणपूर्ण हमारा। तो कपड़े का झंडा विश्व की शांति थोड़ी स्थापन करता है। कपड़ा मानो शास्त्र में लिखा हुआ है, शरीरम गतम विद्धि इंद्रियाणि हयानि आहु, इंद्रियां घोड़ा है, शरीर रथ है। तो ये शरीर रूपी वस्त्र में परमात्मा प्रवेश करके उन तीन घोड़ों को प्रत्यक्ष करता है। तीन घोड़े कहो, तीन शेर कहो, तीन शेरों की नाक होती है ना, लोक में दिखाई जाती है। आज भी देखो यादगार तो चली आ रही है ना, भले जानने वाले जानते नहीं है, झंडे में वो तीन शेर का चित्र बना देते हैं, जानते नहीं है। वो लात आज से 2-2.5 हजार वर्ष पहले पत्थर की लात बनाई हुई है, लेकिन जानते नहीं है कि वो तीन शेर कौन से थे जिन्होंने संसार रूपी जंगल में ज्ञान की ऐसी दहार मारी थी कि नई दुनिया स्थापन हुई थी और पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। तो उन तीन शेरों में से ब्रह्मा और अंत में बैठा हुआ शंकर, ये दो विशेष आत्माएं ऐसी हैं जो राम और कृष्ण के रूप में सृष्टि पर हीरो हीरोइन के रूप में संसार में प्रकट होती है। सारी सृष्टि को मानना पड़ता है कि यही सृष्टि के हीरो हीरोइन, बाकी सनातन धर्म वाले जो हिंदू कहे जाते हैं वो तो अभी भी मानते हैं कि राम कृष्ण इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ साकार रूप में सृष्टि पर कोई होता नहीं। दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन उतना जानते नहीं। कोई धर्म ऐसा है जो सृष्टि के आदि पुरुष आदम हव्वा को न जानता हो, एडम ईव को न मानता हो? मानते हैं, लेकिन उतना गहराई से नहीं जानते जितना भारतवर्ष में शास्त्रों में मनुष्यों में लिखा हुआ है। लेकिन मनुष्य जो लिखने वाले हैं वो भी मनुष्य है। मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी होता है? मनुष्य विकारी होता है, देवता तो होता नहीं। तो मनुष्य से भूल हो सकती है या नहीं? तो शास्त्रों में अनेक मनुष्यों ने अनेक प्रकार के मत मतांतर के रूप में कुछ न कुछ सच्चाई तो लिखी है, लेकिन उस सच्चाई का उद्घोष, उस सच्चाई की प्रत्यक्षता जो है परमात्मा स्वयं आकर करता है कि शास्त्रों में ये ही बातें बिल्कुल सच्ची है। शास्त्रों का सार ब्रह्मा के द्वारा आकर के सुनाता है। तो मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी, बुद्धिमानों की बुद्धि तो वो सुप्रीम सोल ही है,
वो आकर के हम मनुष्यों की बुद्धि को खोलता है और बताता है बच्चे तुम कृष्ण जयंती भी मनाते हो और शिव जयंती भी मनाते हो, अब दोनों में बड़ा कौन? शिव बड़ा या कृष्ण बड़ा? क्यों? शिव तो बिंदी है, वो तो छोटी है और कृष्ण तो बड़ा बच्चा है, साकार रूप में है, वो तो बड़ा है। कौन बड़ा कौन छोटा? काले की महानता से हो रहे शिव ज्योति बिंदु, भले वो साकार रूप में शक्ति पर माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता, लेकिन वो जब तक रामकृष्ण में प्रवेश न करे तब तक रामकृष्ण वाली आत्माएं भी शक्ति पर कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकती। तो पूछा अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंच से ऊंच जरूर निराकार कोई कहेंगे क्या? अरे शक्ति पर धर्म पिताएं भी आते हैं, इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इतने बड़े बड़े धर्म स्थापन कर दिए शक्ति पर, देखो इस्लाम धर्म आज से 200-300 साल पहले जो 2500 वर्ष से लगातार इस शक्ति पर सबसे ज्यादा वर्चस्व इस्लाम धर्म का रहा, सारी दुनिया में ये मुसलमान फैले हुए थे, ये कि 300-300 साल पहले आए हैं, सारी दुनिया में फैल गए, लेकिन उससे पहले इस्लाम धर्म फैला हुआ था। अभी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा हो गए, क्रिश्चियन की आबादी 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, तो 100 करोड़ से जो ऊपर क्रिश्चियन हो गए हैं, अभी दुनिया की आबादी 500-600 करोड़ है, पांचवा छठा हिस्सा तो पांचवे से ज्यादा हिस्सा तो क्रिश्चियन का ही हो गया, तो उनके धर्म को स्थापन करने वाले धर्म पिताएं कितने महान होंगे? शक्तिशाली तो होंगे ना, तो इतने बड़े बड़े धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिताएं वो इस शक्ति पर आए और इस शक्ति का उत्थान नहीं कर सके, दुनिया नीचे गिरती चली गई, दुख दर्द बढ़ता चला गया, वो भी और उनके फॉलोअर्स भी, ऐसा टाइम आने वाला है, वो मानते भी रहे हैं कि एडम ईव थे, आदम हवा थे, लेकिन ज्यादा गहराई से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनके धर्म तो आते ही बाद में है, धर्म पिताएं ही बाद में आते हैं, तो उनको उतनी हिस्ट्री का पता नहीं है। भारतवासी जो है वो बहुत पुराने हैं, उनका धर्म भी बहुत पुराना है और ज्यादा गहराई से जानते हैं। तो परमात्मा बाप आकर के भारत में जन्म लेता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और ये बात बताता है कि बच्चे वो रामकृष्ण वाले व्यक्तित्व उस शक्ति पर अभी भी मौजूद है, जो उस शक्ति पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले ये बजाते हैं। तो पूछा उन दोनों में बड़ा कौन? एडम बड़ा या ईव बड़ी? एक तो मृदुल पार्ट बजाता है और एक कड़क पार्ट बजाता है। तो जो कड़क पार्ट बजाने वाला है जो है राम की से सूर्यवंशी जिसे कहा जाता है, और जो मृदुल पार्ट बजाने वाली है बांसुरी बजा करके वो लेती है जो है कृष्ण की चोर। तो बांसुरी नहीं बजाती है बांसुरी, ये तो प्रतीकात्मक बातें हैं शास्त्रों में। सबसे सुनीली ताम कौन से बाजू की होती है? बांसुरी की। तो वो ऐसा मीठा मीठा ज्ञान सुनाता है कृष्ण के आखिरी जन्म में, जिनके आखिरी जन्म का नाम पड़ता है दादा लेखराज ब्रह्म,
उनके द्वारा ऐसी मीठी भाषा में वाणी सुनाता है जो आप सुन रहे हैं। सन 68 तक ये वाणी चलती रही है। 18 जनवरी 1969 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये वाणी कोई भी पढ़ेगा, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी सारी दुनिया में फैले हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने ब्रह्मा बाबा को देखा हो और ये कहे कि बाबा ने हमें कभी केड़ी आंख से देखा, हमें दुर्वचन कहा। सब यही कहेंगे बाबा ने भले 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए मिले हो, सब यही अपना अनुभव बताते हैं, बाबा ने हमको जितना सुख दिया उतना दुनिया में सुख हमको कोई नहीं मिल गया। तो ये हम विभिन्न पार्ट, जिस पार्ट के बारे में परमात्मा के लिए जाने हैं सुनिएगा, माता माता से ज्यादा बच्चे का प्यार करने वाला कोई दुनिया में हो सकता है? बच्चा कैसा भी खराब से खराब बन जाए, दुष्ट बन जाए, चोर डकैत बन जाए, बड़ा से बड़ा आतंकवादी राक्षस बन जाए, लेकिन माँ क्या चाहेगी? ये बच्चा मेरी गोदी में पलता रहे। कभी अपनी माँ माँ जो है वो अपने बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं रखना चाहेगी। तो माँ का वो प्यार ब्रह्मा के रूप में उस सुप्रीम सोल ने प्रवेश करके हम बच्चों को ब्राह्मण बच्चों को दिया और अभी भी दे रहे हैं। सिर्फ समझने की बात है क्यों कैसे दे रहे हैं। ब्रह्मा का पाठ चलता है तो जरूर विष्णु शंकर का भी पाठ चले। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ब्राह्मण गण की, तो शंकर द्वारा आपकारी रावण को मकर वेदना जैसे ब्राह्मणों का विनाश भी होता है राम के रूप में, तो वो भी आत्मा को तीन सौ जो कृष्ण के सन में प्रवेश करके मुगल पाठ बजाती है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में सुधार लाने के लिए आतकारी ब्राह्मणों का संहार करने के लिए उनके दुष्ट संस्कारों को नष्ट करने के लिए जिसमें प्रवेश करती है राम के व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाती है। जिसकी लाइन से ही प्रवेश कर जाती है। संसार रूपी जंगल कभी शेर के बगैर खाली भी रहता, एक शेर जाता है तो दूसरा 59 में जाता, लेकर आज ब्रह्मा ने बड़ी छोड़ा। तो राम की जो सोल वो फिर एक्ट में आ जाती, भले प्रत्यक्ष नहीं होता तो तुम सोल प्रत्यक्ष कब होना चाहिए? हम तो आपको मिलने का जरूर तो तैयार हो जाए जानकर, वो बच्चा ज्ञान में आता है कुछ तो टाइम लगता है ना समझने में। तो सन 70 के शुरुआत में ही उस पाठ की प्रत्यक्षता हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में डॉक से ब्राह्मण है, बल्कि सभी ब्राह्मण ये जानते हैं कि दादा लेखराज राम कराए कृष्ण की सोल, कृष्ण की सोल दादा लेखराज का पाठ है, कृष्ण का पाठ नई दुनिया में वृत्ति के रूप में जन्म लेगी। ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमित दुनिया में कुछ ऐसे ब्राह्मण भी निकलते हैं जो संसद पर चोर की बुद्धि में बैठ जाता है। ये अमुक राम की चोल है, अमुक राम का पाठ है, और उसके द्वारा परमात्मा शिव उसी तरह शंकर का पाठ बजाते हैं जैसे कृष्ण के आखिरी जन्म के चोले में बाबा लेखराज ब्रह्मा के संग के द्वारा परमात्मा शिव ने कौन सा पाठ बजाया? मधुर पाठ माँ का बजाया कृष्ण के द्वारा। जो राम और कृष्ण दो विशेष आत्मा है, तो शंकर के रूप में जगत पिता के रूप में अपनी भारतीय परंपरा में कौन से देवता है जिनको जगत का पितर माना जाता है? पुराने के पुराने जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर कहते हैं ना, तो शंकर को इस धरती का आदि पिता माना जाता है।
शंकर का कोई जन्म देने वाला कोई और दूसरा साकार में पिता माना जाता है क्या? नहीं, कृष्ण का पिता माना जाता है, त्रेता युग में राम का पिता माना जाता है, लेकिन शंकर का कोई पिता नहीं होता। क्योंकि सुप्रीम सोल शंकर के रूप में संसत्तर के ब्राह्मणों की दुनिया में धीरे धीरे प्रत्यक्ष पिता होती है। अच्छा ठीक है, बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा? दुनिया में भी बाप होते हैं, कोई कंपनी स्थापन करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कंपनी तो क्या करते हैं, बच्चों का भी तो साथ में नाम दिया जाता है ना, है? पहले बच्चे का नाम आगे रखते हैं, फिर है? पहले बाप का नाम, फिर बच्चे अपना ऐड किया जाता है कंपनी है। तो ऐसे ये नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में सुप्रीम कोर्ट अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता क्या? कि संसद जो स्वयं प्रत्यक्ष हो जाए, बाप पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करना चाहते, बच्चा कौन है वो पहले प्रत्यक्ष हो, उसके द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन डालना है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो सुप्रीम सोल आता है, राम के व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जिस राम के व्यक्तित्व के द्वारा संकेत के रूप में ब्राह्मण की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, जिस तथापति तो ब्रह्मा कुमार ने क्या कहने लगती है उस रूप को सुनकर बाबा ने अपनी भाषा में कभी नहीं बोला कि शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं, राम के बंदे और कृष्ण के बंदे, ये क्या करते हैं फॉलोअर्स, ये बिकंदा आप खड़ा कर देते, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जो भी फॉलोअर्स हुए हैं धर्म पिता के गुजरने के बाद उन फॉलोअर्स ने बब्बा बोल कर दिया। ऐसे ब्राह्मणों की संबंधी दुनिया में भी होता है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है जो नया ग्रुप तैयार होता है, उसके असली बात को समझने की बजाय क्या कहने लग पड़ते हैं, हर शंकर पार्टी निकली, शंकर पार्टी निकली, ये शंकर पार्टी का नजारा बज गया। चलो ठीक है, शिव बाबा के मंदिर में तो नजारा ही होता है। तो बाबा ने पूछा बड़ा कौन, जो शिव बाप शंकर के रूप में शक्ति पर प्रत्यक्ष होता है, जिसे जगत पिता कहा जाता है, वो बड़ा या कृष्ण बच्चा बाबा, दोनों में बड़ा कौन, ये प्रश्न कर दिया बाबा ने, भूलिए बाप बड़ा या बच्चा बड़ा, अब दोनों में बड़ा कोई ऊंच से ऊंच जरूर निराकार कोई कहेंगे, ऊंच से ऊंच क्यों डाल दिया सोचे, क्योंकि जितने भी धर्म के पैर सृष्टि पर आए उनको ध्यान से देखिए उनके चेहरे को, उनके चेहरे को देखने से नहीं पता चलता है वो जैसे सृष्टि पर होते हुए भी उनकी मन बुद्धि सृष्टि पर नहीं ठहरती है, वो ऊंचे लोक में जैसे उनकी बुद्धि खड़ी हुई है, निराकारी स्टेज दिखाई जाती है, जैसे शंकर को निराकारी स्टेज में दिखाते हैं, वो तो धर्म पिता है, वो है बाप के बच्चे, वो सब क्या है, बाप के नंबर वार बच्चे हैं जो अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन वो सब धर्म पिता है, वो सुप्रीम सोल गॉड फादर को मानते हैं, वो मानते हैं कि हमसे भी कोई ऊंचा हो, गुरु नानक को उनको उंगली करके क्या दिखाते, एक सदगुरु निरंकार कहते हैं ना, तो वो उन पर उंगली करे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, अपने को तो नहीं कहते कि मैं हूँ सदगुरु, भले सिखों ने उनको समझ लिया है कि ये सदगुरु पर रूप है, लेकिन उनकी उंगली हमेशा है ऊपर होती है, तो इससे साबित हुआ कि जो भी धर्म पिता है वो ऊंच से ऊंच नहीं है, वो ऊंच की दृष्टि में है, महान की दृष्टि में है, लेकिन उन समस्या ऊंचा कोई पिता है जो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है, नई सृष्टि बनाता है, और समस्त पिता है आकर के सिर्फ इस सृष्टि में कुछ कुछ को खतोड़ते हैं, मरम्मत करते हैं सृष्टि टाइम टू टाइम जगह जगह पर, लेकिन नई दुनिया पूरी सृष्टि को समूची सृष्टि को परिवर्तन कर दे
वो कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए बताया कि उन दोनों, हाँ अब दोनों में बड़ा हो, ऊंच से ऊंच जरूर कहलाता है कोई कहना क्या, वो धर्म पिता है ऊंचे है लेकिन ऊंच से ऊंच नहीं, ऊंच से ऊंच जरूर निराकार स्टेज वाले उस सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा से जिस प्रवेश करता है शंकर में उसको कहेंगे वो सबसे ऊंचा है इस शक्ति पर। अच्छा फिर बच्चा नीचा हो गया क्या, ऊंचे का बच्चा कैसा होगा, बहुत ऊंचा होगा ना, इब्राहिम बुद्ध शास्त्री के तरीका होगा नहीं, नहीं। तो इसलिए शंकर के माथे पर क्या दिखाते हैं, चंद्रमा दिखाते हैं, संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाते, आभा भी नहीं दिखाते, हाँ कोर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि वो शीतल पार्ट बजाने वाला चंद्रमा कैसा पार्ट बजाता है, तीखा गर्म पार्ट बजाता है ना सूर्य जी, सूर्य जी तो सूर्य से ही पैदा होगा ना। अरे इस बात गीता में भी लिखी हुई है कि भगवान ने आकर के ज्ञान सुनाया तो सबसे पहले किसको सुनाया, सूर्य को सुनाया। तो राम की आत्मा तो सूर्य जी है ही, शंकर के रूप में वो संसार में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होती है, लेकिन उस शंकर के मस्तक पर कौन दिखाया जाता है, चंद्रमा। वो चंद्रमा किस आत्मा की प्रवेशता की निशानी है, जिसने इतना शीतल ज्ञान प्रकाश फैलाया है ब्राह्मण की दुनिया में। कोई भी ब्राह्मण ये नहीं कर रहा कि ब्रह्मा बाबा ने तीखा पाठ बजाया, थोड़ा भी हमको दुख दिया, मनसा से संकल्प से दुख दिया, वाचा से दुख दिया, दृष्टि से दुख दिया नहीं, या कर्मणा से दुख दिया, जापत मार दिया नहीं, गारंटी है इस बात की। तो ऐसा शीतल पाठ बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा जो 69 में शरीर छोड़ता है, कैसे हार्ट अटैक माना अकाल मृत्यु, अकाले मृत्यु, जिनकी अकाले मृत्यु होती है वो कौन सा शरीर जाया करते हैं, गर्म से प्रवेश करते हैं या सूक्ष्म शरीर, कोई भी तांत्रिक से जाकर पूछ लो, कोई व्यक्ति अचानक मौत अगर उसकी होगी तो कैसा फिर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर का व्यक्ति जैसे भूत प्रेत होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक ईवी सोल भी होती है और कोई अच्छे कर्म करने वाले होते हैं तो उनको ईवी नहीं कहेंगे, उनको फरिश्ता सोल कहेंगे, हाँ उनको भी सूक्ष्म शरीर। तो 69 में वो शरीर छोड़ करके ब्राह्मणों की दुनिया में वो पाठ बजाता है, गुलजार दास जी के तन में प्रवेश करके जो अभिष्टवान कही जाती है 69 से 18 जनवरी के बाद, और वही आत्मा 76 में जब परम पिता परमात्मा से बाप के रूप में राम के व्यक्ति के द्वारा सबसे छोटे है, तो वही आत्मा उस व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाती है। क्या दूसरा नेत्र तो है परमात्मा शिव की प्रवेशता की आत्मा, तीसरा नेत्र भी तो शंकर को दिखाते हैं, वो तो परमात्मा शिव सुप्रीम सोल की प्रवेशता की यादगार है, लेकिन जो चंद्रमा है वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दादा लेखराज की सोल की प्रवेशता की यादगार है, जो कि सूक्ष्म शरीर उस समय त्याग देती है, सूक्ष्म शरीर त्याग देती है, और उस जो शक्ति का बीज रूप बाप है जिसके गीता का अहम बीज प्रदप्तिका, क्या मैं इस शक्ति का बीज बोने वाला पिता हूँ, गीता में सत्य रूपी वृक्ष दिखाया गया ना, ओदम मूलम मदस्ता का अश्वत्थम्मा हो गए अव्ययम, ऐसा बोला है ना कि ये शक्ति क्या है, एक वृक्ष है उल्टा वृक्ष, मैं इसका बीज हूँ, हम बीज प्रदत्ता, मैं जड़ नहीं,
मैं क्या हूँ? बीजू। तो बीज तो बाप ही कहा जाता है। बाप का काम क्या होता है? बाप बाप बनता जब है, जब बीजारोपण करे। तो वो बीज जो है, सारी पृथ्वी का बीज परम पिता परमात्मा शिव किसी साकार तन में प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाता है, ज्ञान का बीज डालता है, इसलिए वो पिता कहा जाता है। वो पिता उस ब्रह्मा रूपी सोल जो दादा लेखराज कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, संसार में उसको अपने मस्तक में धारण कर देता है। इसलिए चंद्रमा दिखाते हैं, चंद्रमा संपूर्ण नहीं दिखाते, माने वो ब्रह्मा की सोल भी अभी भी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रही है, शंकर के मस्तक में प्रवेश करके। वो पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमार ने क्या समझती है तथा कथित, वो समझती है कि दादा लेखराज ही ब्रह्मा जो है वो भगवान का साकार रूप हुए और वो ही हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सारी शक्ति उनकी पढ़ाई से सदगति को पा जाएगी और हमने सदगति को पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं, वो ब्रह्मा की सोल स्वयं भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है बच्चे के रूप में। इसलिए कहा दोनों में बड़ा कौन, जरूर ऊंचे ऊंचे निराकार को ही कहेंगे। क्यों निराकार को क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि हमने जन्म जन्मांतर में इतना बड़ा दुग्ध शरीर धारण किया, तो शरीर का संग करते करते संगात संजाय से कामा, संग करने से क्या होता है? कामना पैदा हो जाती है, देह के संग करने की कामना पैदा हो जाती है, देह के प्रति मोह पैदा हो जाता है। अनेक जन्म हमने लिए हैं पतिवृत्ति का द्वापर कलयुग में, तो अनेक जन्म लेने से इस देह में ममत्व पैदा हो गया, वो ममत्व पैदा जो हो गया है वो बुद्धि में घर कर गया, संस्कार पक्के हो गए देह बांध के। वो देह बांध के संस्कार छुड़ाने के लिए परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के मुख से ये बात बताते हैं, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, जिसकी यादगार में तुम भ्रकुटि के मध्य में बिंदु लगाते हो, टीका लगाते हो। ये आत्मा यहाँ टिकी हुई है, टीका लगाने की जरूरत नहीं है, ये आत्मा यहाँ पर टिकी हुई है, ये ज्योति बिंदु के रूप में है, स्वयं प्रकाशित है। इस आत्मा की ही रूपी बैटरी की ही रोशनी जो है इन आंखों से निकल रही है। घर से मर जाता है तो आंखें कैसी हो जाती है? बटन हो जाती है। तो जो बटन आंख हो जाती है क्यों हो गई? क्योंकि बैटरी बैटरी निकल गई। तो जैसे परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, जिसका बड़ा आकार मनुष्यों ने शिवलिंग बना दिया पूजा करने की सुविधा के लिए, नहीं तो बिंदी की पूजा करेंगे जन्म पर लग जाएगी जाने का, इसलिए वो बड़ा रूप दिखाया शिवलिंग मंदिरों में। तो वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु शिव जैसा बिंदु है, वैसे बिंदु बिंदु आत्माएं भी बिंदु है। सांप का बच्चा कैसा होगा? सांप की तरह लंबा होगा या हाथी की तरह छोटा होगा? जैसा बाप होगा वैसा ही आकार का बच्चा भी होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि सांप हो लंबे लंबे रूप में और बच्चा उसका हाथी के रूप में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही परमात्मा शिव ज्योति बिंदु शिव अति सूक्ष्म ज्योति है, अनुसा मनुष्य में एक है। गीता में भी स्वरूप तो बताया आत्मा का, क्या बताया? अणु से भी अणु रूप है, जैसे एटम बम बनाए जाते हैं तो अणु के भी अणु हिस्से के हिस्से किए जाते हैं, ऐसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है लेकिन प्रकाशित है। उस आत्मा का प्रकाश हमारी आंखों में से निकलता है, आत्मा निकल जाती है तो वो चमक वो रोशनी चली, जिसको मुसलमान भी कहते हैं नूर। क्या कहते हैं? कहते अरे इसके चेहरे पर इसकी आंखों में तो नूर बढ़ गया है, नूर में वो रोशनी आत्मा। तो वो रोशनी जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो रोशनी
हम आत्माओं में है, इन आंखों से वो रोशनी निकल रही है, लेकिन इस रोशनी को बढ़ाने के लिए, इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए परमात्मा शिव को कलयुग के अंत में आना पड़ता है। जो भी देवताओं की मूर्तियां देखिए ध्यान रखिए, नेत्र कैसे दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े चमकते हुए, और आज हमारे आंखें कहां घूम गई, अंदर घूम गई, क्योंकि आत्मा रूपी बीज सत्य वत्रेता द्वापर कलयुग चार युगों में मनुष्य शरीर की जन्म लेते 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 कमजोर, जैसे कोई बीज होता है ना, कोई नया बीज निकलता है, वैरायटी अच्छी निकलती है, उसको बार बार बोया जाता है तो कैसा हो जाता है, कमजोर और छोटा हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य आत्मा भी सृष्टि पर जब आती है सत्य की याद से, तो जन्म लेते 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 हमारी आंखें अंदर घुसती चली गई, शरीर छोटे छोटे पैदा हुए। आज से 4 साल पहले महाराणा प्रताप की तलवार देखो मुझे में कैसी है, हम और आपको उठा भी नहीं पाएंगे, और उनमें इतनी ताकत थी। तो 400 वर्ष के अंदर बहुत से जन्म ले गए, अभी तो एवरेज एज ही 30 साल रह गई। तो उस आत्मा रूपी बैटरी को पावरफुल बनाने के लिए परमात्मा सुप्रीम सोल रामकृष्ण के व्यक्तित्व में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके बताता है बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, तुम ज्योतिबिंदु आत्मा। अब जिन्होंने प्रैक्टिस की, ये राजयोग है, क्या है, राजयोग, जन्म जन्मांतर का राजा बनाने वाला योग है। दुनिया में इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए बनाए जाते हैं ना, पढ़ाई करके बनते हैं कि बिना पढ़ाई के बन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो दुनिया में इतने बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े दुनिया में राजाएं हुए हैं, महाराजाएं हुए हैं, इनको महाराजा ही किसने सिखाई और कब सिखाई, कभी तो सिखाई होगी, किसी ने तो सिखाई होगी, तो जिसने सिखाई वो कभी राजा नहीं बनता, क्या वो राजा ही नहीं लेता। हम बच्चों को विश्व का बादशाह आकर के बनाता है, कोई तो छोटे बादशाह बनते हैं, कोई तो बड़े बादशाह बनते हैं, जन्म जन्मांतर की राजाई इस राजयोग से प्राप्त करा रहा है। अब जो पुरुषार्थ करेगा सुन पाएगा, अंग्रेजी में भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परमात्मा अभी आत्मा अभिमानी बनाने की पढ़ाई कराने आया है। बच्चे इसे जो है तो भूल जाओ, ये बिना की चीज है, ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे, चाहे अपना हो और चाहे सामने वाले दूसरों का हो, तो क्या होगा, बुद्धि कैसी बनेगी, मिट्टी बनेगी। जैसे तुम अभी 1000 साल से पत्थरों को पूछते पूछते क्या बन गए, पत्थर मिट्टी बन गए। अरे बड़ा सा बड़ा अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होगा ना, वो भी जाके मंदिर में पत्थर की मूर्ति को माथा टेकेंगे, भगवान हमारे लिए ऐसा कर दो वैसा कर दो, भगवान चौधरी कैसा कर देगा, तुम्हारे पूर्वजन्म के जो संस्कार होंगे वैसा तुमको प्राप्त होगी। भगवान किसी के लिए पार्शलिटी नहीं करता, पक्षपात पैदा नहीं करता, वो तो आकर के सबको पढ़ाई पढ़ाता है, जो पढ़ाई पढ़ेगा जो पाएगा। तो परमात्मा आकर के राज्य सिखाता है, सब छत्तर से वो कृष्ण की सोच जो दादा लेखराज के अंदर परमात्मा शिव ने प्रवेश करके पाठ बजाया माँ का, वही सोल सन 76 में राम के व्यक्तित्व में प्रवेश होकर के शंकर के रूप में ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में किस पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, पार्टी की बुजिया के रूप में है, हाँ शंकर पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष हो। अब लाजमी है जब शंकर पार्टी होगी तो जरूर कोई शंकर भी हो, जब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पार्टी है तो जरूर कोई ब्रह्मा भी हुआ होगा, वो इतने दुनिया में ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए हैं, देश में विदेश में सारी दुनिया को फैले हुए हैं, तो कोई नकार सकता है कि हाँ भाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं है,
है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है तो ब्रह्मा भी कोई जरूर हुए। माना शंकर पार्टी है तो जरूर शंकर भी है। अब कौन है इसका फैसला उसको खुद करने की दरकार। भगवान आकर ये नहीं कर मैं बता पूजा करो, ये कहेगा भगवान तो आकर ये कहने की दरकार है कि मैं भगवान हूँ, नहीं भगवान को ये कहने की दरकार नहीं मैं भगवान हूँ। जो भाग्यवान होगा इस शक्ति का बड़े से बड़ा वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा, लेकिन किनकी नजरों में प्रत्यक्ष होगा? जो जन्म जन्मांतर राम और कृष्ण के नजदीक रहे होंगे, क्या जो जन्म जन्मांतर राम कृष्ण वाली आत्माओं के हीरो हीरोइन पार्टधारी के नजदीक रहे होंगे वो उनकी आत्मा उनको पहचानेगी, दूसरे लोग नहीं पहचानेंगे। तो बोला ऊंच से ऊंच जरूर निराकार को ही कहेंगे, क्या ब्रह्मा के इतने फोटो बने दादा लेखराज के, ब्रह्मा कुमार कुमारी का तो धंधा ही है क्या फोटो खिंचाओ, उन फोटोज में ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा जो धर्म पिताओं की तरह निराकार स्टेज वाला हो, माने बिंदु रूप स्टेज में स्थित हुआ एक भी चित्र नहीं। क्यों क्यों नहीं? क्योंकि माता रूपी धरणी जो है वो धरणी तो साकार ही होती है हमेशा, क्या माता रूपी धरणी सदैव साकार ही होती है और पिता बीज होता है। धरणी होगी और उसमें बीज पड़ेगा तो सरसब्जी बगीचा बनेगा, तो वो पृथ्वी रूपी माता जिसको हम ब्रह्मा कहें, ब्रह्मा माता पाठ बजाने वाला व्यक्तित्व, वही व्यक्तित्व आधार बनता है बीज को धारण करने के लिए। तो ज्ञान का बीज वो जितना धारण कर सकता है उतना और कोई मनुष्य आत्मा ज्ञान की धारणा प्रैक्टिकल में नहीं कर सकता, लेकिन वो आत्मा अभी भी पढ़ रही है, वो आत्मा अभी भी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ा नहीं रही है। वो गीता का भगवान कृष्ण की सोल नहीं है, कौन है जो मेरा कारण है? अब ब्रह्मा कुमारी मुझे तो कहती है किताबों में तो लिख दिया गीता का भगवान कृष्ण नहीं है मेरा कार्य है, लेकिन खुद किसको बता रहे हैं भगवान साकार रूप में? दादा लेखराज ब्रह्मा को, जिस दादा लेखराज ब्रह्मा को वो कृष्ण की सोल साबित कर रही है उसी को तुमने कह दिया वही भगवान का साकार रूप है, दुनिया में और कोई साकार रूप नहीं हो सकता। तो बात तो जहाँ किताब रहेगी दुनिया कैसे मानेगी इस बात को? तो पहले तो खुद समझे क्यों निराकार सोल सुप्रीम सोल शंकर के रूप में शक्ति में संसार में जगत पिता के रूप में प्रत्यक्ष होती है और वो गीता का भगवान, क्या गीता ज्ञान देने वाला गीता पति भगवान है और गीता माता ब्रह्मा। कौन है गीता माता? सब शास्त्रों में शिरोमणि कौन है? गीता। क्यों कही सब शास्त्रों में शिरोमणि? अरे कुरान का भी शास्त्र है, बाइबल का भी शास्त्र है, लेकिन नहीं पुरानी तो है, पुरानी है लेकिन सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों है? शिरोमणि इसलिए है कि वो गीता का ज्ञान स्वयं परमात्मा शिव ही आकर के देता है, वही सुनाता है वही समझाता है, और जब सुनने और समझने के बाद भी हम उसको धारण करने में सक्षम नहीं हो पाते तो फिर वो ही धर्मराज का रूप तीसरा रूप धारण करता है और हमको पढ़ाई पढ़ना पड़ती है। तो बोला जरूर ऊंचे ऊंचे निराकार शिव को ही कहेंगे, शिव को शंकर के साथ क्यों मिला देते? ब्रह्मा के साथ शिव ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? शिव विष्णु क्यों नहीं कहते? शिव शंकर को मिला के क्यों कर दिया? हाँ
शंकर जो है वो ऐसा पुरुषार्थ करता है हीरो पार्टधारी का, ऐसा बीज रूप स्टेज में टिकता है आत्म की स्थिति में कि जैसी आत्म की स्थिति परमात्मा शिव की है वैसा ही तादात में वो आत्मा पैदा कर लेती है। क्या शंकर वाली सोल, राम वाली सोल बड़ी बीज रूप स्टेज प्राप्त करती है, निराकारी स्टेज, निरहंकारी निर्विकारी स्टेज जो सुप्रीम सोल शिव की है। इसलिए एक रहस्य हो जाने के कारण आत्मा सो परमात्मा हो जाती है, बाकी दुनिया में सब आत्मा है परमात्मा नहीं हो सकती, ये गलत बात है। एक ही सोल ऐसी है सुप्रीम सोल जो एक ही उपाधारी में प्रवेश करके उस शक्ति पर प्रत्यक्ष होती है, वो सर्वव्यापी बन के प्रत्यक्ष नहीं होती है, एक व्यापी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होती है। सर्वव्यापी हो जाएगा तो हम पहचान में कह जाएगा ये परमात्मा है कि ये भगवान है कि वो भगवान है कि ये भगवान है, कैसे मालूम पड़ेगा, किससे गीता ज्ञान लें, कैसे पता चलेगा। जरूर वो एक में आता है, एक व्यापी होकर के आता है, लेकिन हुआ क्या, उन धर्म के काम उन धर्म गुरुओं ने जब देखा कि भगवान कहीं नहीं मिल रहा है तो कोई और सारा क्या पी मेरे में है तेरे में हर जगह है किसी में है। अच्छा तो उसको उत्थान हो जाएगा, किस चीज बुद्धि भटक जाएगी या बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, भटक गई। कभी मंदिरों में भटके, कभी जन्म लेकर के मुसलमानों की मस्जिद में भटके, कभी गुर्जा करके भटके, आप भटकना बंद क्यों, क्योंकि आपको स्वयं ऐसा ज्ञान आकर के सुना रहा है कि जिस ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि वो सुप्रीम सोल पाठधारी सृष्टि पर कौन है और कहां पाठ बजा रहा है, ये बात परमात्मा ही आकर के सिखा सकता है। जो ज्ञान होते ही जो जनाई और ज्ञान तो तुम्हें तुम्हें ही मिल जाए, क्या सारी बातें शास्त्र में कह दी है लेकिन उसके अर्थ को मर्म को नहीं समझ सकते। परमात्मा जिसको आकर के स्वयं ज्ञान देता है वो ही ज्ञानी आत्मा बन सकता है, मनुष्यों के द्वारा सिखाए हुए ज्ञान से कोई ज्ञानी आत्मा नहीं बन सकता। तो जरूर उसके मुंह से निराकार कोई कहेंगे कि वो तो निराकार है ना, उसने क्या किया, उसने क्या किया जो शिवजयंती बनाई जाती है, और कृष्ण ने क्या किया, अरे कुछ तो किया होगा, नहीं क्या पाठ बजाया, हाँ शिव ने आकर के वो ऐसा ज्ञान सुनाया जो शक्ति पर उस तरह का कोई ज्ञान सुना नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा के तन में जो वाक्य बोला है युग ने, क्या बोला, मालूम कैसे करता है तेरे में बाप भगवान है, ज्ञान जब ज्ञान सुनाते वो निराला है तो निराला ही ज्ञान सुनाएगा, उस तरह का ज्ञान और कोई सुनाई नहीं सकता। दुनिया में कोई धर्म गुरु नहीं सुना सकता, कोई धर्म पिता नहीं सुना सकता, और कोई बड़ा से बड़ा ब्रह्मा कुमारी भी नहीं सुना सकता जैसा वो आकर के ज्ञान सुनाता है। तो पता लगता है कि हाँ ईश्वर का ही ज्ञान हो सकता है, ये ज्ञान ज्ञान किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। तो क्या किया उसने, आकर के हम बच्चों को राजयोग की पढ़ाई का ज्ञान